करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाले कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के वनडे और टी20 से कप्तानी छोड़ने की खबर ने हर वर्ग को शॉक किया। जैसे ही बीसीसीआई ने ट्विटर पर महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले की खबर शेयर की तो हर किसी को धक्का लगा। इस खबर पर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक दी एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी में उनका किरदार निभाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने इमोशंस को ट्विटर पर व्यक्त किया। सुशांत सिंह ने लिखा कि आप जैसा यहाँ पर कोई नहीं है, आप करोड़ों लोगों की खुशी की वजह हैं। मेरा आपको सलाम कप्तान धोनी। धोनी के कप्तानी छोड़ने से क्रिकेट प्रेमियों को काफी आघात हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने धोनी से कप्तान बने रहने की अपील की है। कई नामी क्रिकेटरों ने भी धोनी के कप्तानी छोड़ने पर हैरानी जताई है। इसमें संदेह नहीं है कि धोनी के इस फैसले से इंडियन क्रिकेट फैंस को धक्का लगा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि धोनी इसी साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम की कमान संभालते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सफलतम कप्तानों में शुमार और मौजूदा सीमित ओवरों की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई ने ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की। धोनी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज में टीम की कमान नहीं संभालेंगे, हालांकि वो टीम में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने एक बयान में कहा है, सभी क्रिकेट प्रशंसकों और बीसीसीआई की तरफ से मैं महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय क्रिकेट को दिए गए उनके शानदार योगदान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी कप्तानी में भारत ने क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छुआ। धोनी के बाद टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली को वनडे और टी20 की कमान मिलना लगभग तय है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में 50 ओवरों के विश्व कप में जीत हासिल कर इतिहास रचा था।